मेरा नाम साक्षी यादव है और आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर एट अपोलो हॉस्पिटल। हम लोग और मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करें तो लैपटॉप कैरी हम लोग नहीं कर सकते, तो जो रमन सरकार है वो हम लोग को स्मार्टफोन देके मतलब बहुत अच्छा स्कोप दिया है कि हम लोग कोई भी ईजिली वर्क जो नेट के थ्रू होता है या फिर कुछ भी ऐप्स होते हैं वो सब हम अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ईबुक एक ऐसा ऐप है जिसको हम लोग मोबाइल पर डाउनलोड करके कोई भी ऑथर सर्च करेंगे या फिर कुछ भी बुक्स का नाम डालेंगे तो इजीली हम लोग को रीड आउट करने के लिए अवेलेबल रहता है। स्मार्टफोन के जरिए हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आप लोग तो बढ़िया है, और बताओ मुंबई का मौसम कैसा है अभी? मैसेंजर हो गया, व्हाट्सअप कॉलिंग हो गया, ईमो हो गया, इसके थ्रू हम लोग किसी का भी वीडियो चैट कर सकते हैं, तो इससे हम लोग उनसे और क्लोज होंगे और हम लोग का जो रिलेशनशिप है जो फैमिली का फ्रेंड्स का वो भी डेवलप होगा। जो पुअर पर्सन होते हैं उन लोग मेनली क्या है मोबाइल परचेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिजिटल इंडिया से उतने ज़्यादा मतलब जान नहीं पा रहे कि क्या है डिजिटल इंडिया, किस टाइप का है। हम लोग का एक पर्पस चल रहा है मतलब पीएम का कि हम लोग को डिजिटल इंडिया बनाना है, तो हमारे छत्तीसगढ़ से स्टार्टिंग हुई तो सबके पास एक जैसा फ़ोन रहेगा, सबको इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और बाकी राज्यों में ऐसा पहल हुआ भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में स्टार्टिंग हुई है, तो इसलिए रमन सरकार को बहुत थैंक यू। संचार क्रांति योजना, जुड़ता छत्तीसगढ़, बढ़ता छत्तीसगढ़।